Okay, so now we will start the chapter 8. The name of the chapter is Functions in C++. Okay. फंक्शन आर एग्जैक्टली सेम जैसे सी में थे वैसे सी प्लस प्लस के भी फंक्शन है, ठीक है, कोई अलग नहीं है उसमें, ठीक है, थोड़ी एक आध चीजें अलग है तो वो देख लेंगे, बाकी सेम ही है ना पूरे फंक्शन। जो सी में फंक्शन थे हम वही हमारा फंक्शन लेंगे ना। और फंक्शंस का यूज भी हम देख चुके थे कि कैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शंस को यूज में लेते हैं, बताया था ना पूरा। एनसीआर का एग्जांपल लिया था ना, एक बाइनोमियल कॉफिशियंट का, कि कैसे हम अवॉइड करते हैं कैलकुलेशन को, है ना, कैलकुलेशन को कैसे अवॉइड करते हैं फंक्शंस का यूज करके, ठीक है। तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार आपने जो भी लॉजिक डाला है एक फंक्शन में डाल दो और उस फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करते चलो, ठीक है। तो यही फंक्शन का यूज होता है बेसिकली। सी क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में यही होता है कि फंक्शंस बेसिकली हम बनाते हैं, मेन फंक्शन होता है, फिर ऐसे और सारे फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन को आपस में एक दूसरे को कॉल करते हैं और रिटर्न करते हैं वैल्यूज, ठीक है। और आपका इसमें क्या होता है सी प्लस प्लस में, इसमें भी सेम ही चीज़ होती है, जो सी वाली है वही चीज़ भी इसमें भी होती है। इसमें भी ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की जैसे इसमें भी होता है काम, वही फंक्शन बना दो और वही फंक्शन आपस में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस में एक दूसरा भी होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लासेज बनाते हैं और क्लासेज जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती है रेदर देन फंक्शंस को कॉल करना, ठीक है। वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमारे क्लासेज स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्लासेस क्या होती है, कैसे कम्युनिकेट करती है आपस में, ठीक है। अभी जो है वही पिछले वाला सी का ही कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस कैसे होते हैं क्या होते हैं तो वही है ना। देखो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, सो व्हाट इज अ फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप बोल दो, इसको फंक्शन डिक्लेयर भी कहते हैं ना, प्रोटोटाइप से ही हम जो है फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल जब हम यूज में लेते हैं तो उसको डिक्लेयर करते हैं। नहीं, सी प्लस प्लस में अलग से क्या होता है, लाइब्रेरीज होती है ना बहुत सारी, सी में अलग से लाइब्रेरी, लेकिन क्या होता है सी प्लस प्लस में सी के सारे फंक्शन भी काम में ले सकते हैं, वही लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं ना। लेकिन सी में, सी प्लस प्लस में एडिशनली भी बहुत सारी चीज़ें ना, तो सी की लेकिन सारी चीज़ें सी प्लस प्लस में लगभग काम आ जाती है, ऑलमोस्ट सी की जो सारी चीज़ें वो सी प्लस प्लस में यूज़ में आ जाती है, ठीक है। वही फंक्शन वही लाइब्रेरी जैसे यूज़ में आ जाते हैं, सी प्लस प्लस में एडिशनली बहुत कुछ चीज़ें हैं ना, उसके अलावा सी प्लस प्लस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रिंग का देखा होगा, लास्ट वीडियो देखा किसी ने जो अभी मैंने बताया था, कल मैं लिंक शेयर करा था ना उसमें, ठीक है, उसमें हमने क्या स्ट्रिंग फंक्शन उसका यूज करा हुआ है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी का, वो सी में नहीं होती है वैसी चीजें ना। लेकिन स्कैनएफ प्रिंटएफ हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, सी इन सी आउट यहाँ पर होते हैं लेकिन सी में नहीं होते हैं ना, लेकिन स्कैनएफ प्रिंटएफ यहाँ पर भी होते हैं वहां पर भी होते हैं, तो वो है, ठीक है। सी की सारी चीजें लगभग यूज में आ जाती है, सी प्लस प्लस की कुछ नई चीजें हैं वो देख रहे हैं ना। फंक्शन तो वही कॉन्सेप्ट है ना, वही फंक्शन है, वैसे यूज में आते हैं वही। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज करके हम बेसिकली फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, आई एन टी एक्स लिखते हैं, इंटीजर आई लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेन एवर वी यूज अ वेरिएबल बेसिकली वी हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर इट, ठीक है। तो अगर आपके पास है ये आई एन टी आई लिखने का मतलब क्या है, ये बेसिकली हम डिक्लेयर कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, और फिर आई इक्वल टू फाइव आपने कुछ करा तो आपने उसको यूज कर लिया, सो वी हैव टू डिक्लेयर ए फंक्शन वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू डिक्लेयर ए फंक्शन ऑल्सो वेन वी आर बेसिकली क्रिएटिंग ए न्यू फंक्शन, ठीक है। जब हम कोई नया फंक्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमने एक नया वेरिएबल बनाया खुद से, तो हमने उसको पहले डिक्लेयर करा और फिर उसको यूज करा ना, तो ऐसे फंक्शन को भी जब हम नया कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही देखा था अभी हमने लास्ट क्लास बताया था ना अभी, फंक्शन के पूरे एग्जाम्पल्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन वगैरह, ठीक है। तो वही है, देखो जैसे सम एक फंक्शन अगर मुझे बनाना है तो कैसे करूँगा, वही आई एन टी लिखा, सम लिख दिया, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया इंटीजर आपका एक्स और इंटीजर वाई। तो ये जो है प्रोटोटाइप है ना, ये मेन फंक्शन के ऊपर आपको लिखनी पड़ती है, इंटीजर मेन, ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन है और यहाँ पर जो है आपने ये फंक्शन लिख दिया। अगर अब इसको, अब आपको इस फंक्शन को बनाना है, ठीक है, ये तो आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर करी है, अब इस फंक्शन को बनाना है तो नीचे बनाते हैं उसके, मेन के नीचे इस तरह से बना सकते हैं उसको, ठीक है। इंटीजर एक्स ले लिया, इंटीजर आपने वाई ले लिया, ठीक है, और ये आपने फंक्शन बना दिया कि आपका ये रिटर्न क्या कर देगा, आपका
एक्स प्लस वाई जो है ये आपका रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जैसे कोई दो वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई, और एक आपने कर दिया कॉल कर दिया आपका सी आउट सम एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये क्या करेगा आपका सम प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना, यहाँ पर मेन फंक्शन आ जाएगा आपका, ये मेन फंक्शन हो गया, तो ये आपका ये हो गया, यहाँ पर रिटर्न जीरो है। ठीक है, तो वो सब थोड़ी छोटी चीज़ें तो आप ध्यान में रखो ना, एस टी डी आई ओ, ये यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम वगैरह, आप ये सब बार बार थोड़ी ना लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम आएगा, फिर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी आएगा, बस ये दो लाइनें आएगी, फिर उसके बाद ये हमारा ये फंक्शन जो है ये प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ये आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन है, और डिक्लेयर कैसे करते हैं, प्रोटोटाइप का यूज करके। ठीक है, ये प्रोटोटाइप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और नीचे आपने उस फंक्शन को इस तरह से क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। देख, तो देखो अब ये क्या है, मैंने पूरा प्रोग्राम हर बार नहीं लिखूंगा ना, ये सब लिख चुका, फिर टाइम वेस्ट होता है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आएगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आएगा, फिर ये आपका आ जाएगा, ये पूरी लाइन आ जाएगी, इंटीजर मेन आ गया, यहाँ पर रिटर्न जीरो आएगा आपका ना, और यहाँ पर सी इन सी एक्स भी आएंगे, आपको एक्स वाई भी तो चाहिए होते हैं, नहीं तो आप यहाँ लिख लो एक्स इक्वल टू टू लिख दो और आपका वाई इक्वल टू थ्री लिख दो ना, या फिर सी इन सी आउट करके, सी इन करके उसको वैल्यूज को रीड कर लो ना, तो वो तो सारी चीजें कॉमन है। बेसिकली फोकस ये है कि आप सी इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हो। ठीक है, सम एक्स वाई, आपके पास एक्स वाई कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम पर ले लो या फिर रन टाइम पर उसको ले लो ना, सी इन सी आउट का यूज कर लो या फिर डायरेक्टली इस तरह से वैल्यू कर दो, सम एक्स वाई मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है ऑलरेडी, है ना, ये मैंने बनाया है, ये मैंने कैसे बनाया, ये मुझे नया फंक्शन बनाया है, तो इसकी मैंने पहले ऊपर प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया ना, तो प्रोटोटाइप ये, इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, इससे फंक्शन जो है आपका डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, नीचे जो है मैंने पूरा फंक्शन अपना डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये डिक्लेरेशन होती है, और इस चीज को बोलते हैं जो पूरी है, इस चीज को बोलते हैं डेफिनेशन। ठीक है, ये आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, इस तरह से हो गया, तो ये होता है ना। अब देखो ये जो डिक्लेरेशन है ये यहां पर भी लिख सकता हूं, जस्ट इसके यहां पर। ठीक है, बेसिकली पॉइंट ये है कि जहां पर आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो उससे पहले वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर मैंने ये यहां पर डिक्लेयर कराया, इस लाइन को उठा के मैं सी आउट के ऊपर भी लिख सकता हूँ। बात वही है कि यहां मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो इस फंक्शन के कॉल होने से पहले इस चीज को डिक्लेयर करना था मेरे को। ठीक है, तो या तो सबसे पहले तरीका तो ये होता है कि आप यहां लिखो, है ना, ये एक स्टैंडर्ड वे है, बट यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, कि आपने फंक्शन को कॉल करा उससे पहले आपने उसको डिक्लेयर कर दिया बस, है ना, तो ये जो लाइन है ये इसके जस्ट ऊपर भी लिख सकता हूँ, है ना, वो सेम चीज है, लेकिन जो प्रॉपर मेथडोलॉजी है वो ये है कि फंक्शन सेपरेटली दिखने चाहिए। अच्छा, ये फंक्शन है ना, ऐसे बीच में से लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा आपको अच्छे से, लेकिन कर सकते हैं ये चीज़, बस बात ये कि वैलिड है, जहाँ कॉल किया उससे पहले उसको डिक्लेयर करना होता है, चाहे आप मेन के ऊपर डिक्लेयर करो चाहे मेन के अंदर डिक्लेयर करो उसको। ठीक है, और ये आपका फंक्शन डेफिनेशन हो गया। ठीक, ये आपके फंक्शन होते हैं। अब देखो ये बोलते हैं इनको आप आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ये आपकी रिटर्न टाइप होती है ना, आई एन टी, है ना, पता है ये सब, ये आपकी रिटर्न टाइप। ठीक है, कि वो किस टाइप का जो है वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब सम कर रहे हैं, सम इंटीजर एक्स प्लस वाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 3, अगर दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा, है ना, तो ये रिटर्न कर दिया, तो इसलिए जो इसकी रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है ना, तो ये इस तरह से रिटर्न कर देगा ना। अगर ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा होता कोई, तो मैं यहाँ पर फ्लोट लिखता, अगर मैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता तो यहाँ फ्लोट लिख देता कि भाई जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है ना वो उसकी रिटर्न टाइप होती है, जिससे पता चले, जो फंक्शन को कॉल कर रहा है उसको ये पता चले कि भाई ये रिटर्न करता क्या है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है या कुछ और रिटर्न करता है। ठीक है, तो वो उसकी रिटर्न टाइप है, पर ये बेसिकली इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपको वैल्यूज क्या इसमें पास करनी है। जैसे एक्स वाई इंटीजर है तो ये इंटीजर ही लेता है, आप इसमें फ्लोट पास करोगे तो भी ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये फंक्शन वहीं वर्क करेगा ना।
अगर मैं इसमें x इक्वल टू 2.5 लिख देता हूँ तो भी जो मेरा आंसर है ना वो 5 5 ही आएगा। क्यों आएगा? एक तो चीज़ ये है कि x की वैल्यू मैंने तो 2.5 ले लिया ना, लेकिन ये फंक्शन तो x की वैल्यू इंटीजर में ही ले रहा है ना, तो ये 2.5 को 2 में कन्वर्ट कर देगा और आपके पास आंसर फिर 5 भी आएगा, और रिटर्न भी ये इंटीजर ही कर रहा है तो वहां पे भी कन्वर्ट कर देगा। तो ये होती है फंक्शन की आपकी, कि ये किस तरह के वेरिएबल्स है ना, एक्स जो है वाई है आपका वो है। अब देखो ये एक्स वाई और ये वे एक्स वाई अलग है, ये भी मैं बता चुका था। ये एक्स वाई जो है आप इसकी जगह ए बी भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। स्कोप में देखा था हमने, जब स्कोप डिस्कस किया था, अभी स्कोप डिस्कस करे थे ना बहुत सारे, अभी 2 3 क्लास पहले किया था ना स्कोप, तो उसमें बताया था ना कि ये बेसिकली अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं ना। नाम सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि सेम हो गए, ये इस फंक्शन के स्कोप में है और ये इस फंक्शन के स्कोप में है ना, तो दोनों का स्कोप अलग अलग है। आप नहीं थे उस क्लास में, उस क्लास में आप नहीं थे क्या, स्कोप वाली क्लास में? हाँ कोई बात नहीं, लेक्चर वीडियो देख लेना, वीडियो है ठीक है, तो वही बात है। बाकी जो थे उनको भी नहीं पता, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है जो है उनको भी नहीं पता। तो देखो नहीं, 11 तो गई जो गई, लेकिन अभी तो ठीक से पढ़ लो, अभी भी नहीं पढ़ रहे हो ना अभी तो? नहीं अभी तो बता ही रहे ना, लास्ट क्लास में बताया पूरा स्कोप, अब भी नहीं करोगे? रिवाइज तो करना ही बनता है, बिना रिवाइज के कुछ ही नहीं होगा, प्रैक्टिस और रिविजन। किस किसने अटेंड करी थी? मुझे क्या पता किसने अटेंड करी थी, आप में से ही होंगे स्टूडेंट, इसने तो करी थी ना, और शायद यश्री भी थी और ये भी थी अंकिता और ये भी था, है ना, सभी थे, तो वो भी था नहीं था, चलो कोई नहीं ठीक है। तो देखो अब ये है कि जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन बात ये है कि अभी भी आप कहाँ, वो सिंसेरिटी है आप में ना, केवल मिस्टेक ऐसा नहीं है कि लास्ट क्लास में जो भी है सर नहीं थे या सर का नहीं समझ में आया, वो अलग चीज़ है ना, गलती आपकी भी है क्योंकि अभी भी आप नहीं पढ़ रहे हो, है ना, अभी भी जो है हम जो कर रहे हैं ना, तो उसको रिवाइज कर रहे हो ना उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये बिना रिविजन के बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं आती है। तो मैं भी करा रहा हूँ तो भी यही चीज़ें, रिजल्ट फिर भी वही होने वाला है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की और आपके रिविजन की जरूरत है ना, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्या? हाँ ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये क्या होता है, ये दोनों अलग अलग स्कोप है ना, जैसे यहाँ एक्स वाई है, तो ये जो एक्स वाई है, जरूरी नहीं है मैं यहाँ एक्स वाई लिखू ना, कुछ भी लिख सकता हूँ, ये दो अलग वेरिएबल्स है, ये दो अलग वेरिएबल्स है ठीक है। स्कोप पढ़ा था ना आपने, स्कोप अलग अलग है दोनों के ना, यहाँ पर एक्स और वाई लिखना जरूरी नहीं होता है ना यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है, तो इसमें एक्स और वाई आप हटा सकते हो, डायरेक्ट आई एन टी भी ऐसे लिख सकते हो ठीक है। यहाँ से ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन वगैरह हो गए ठीक है, और क्या है इसके अंदर? हाँ बस, तो दोनों चीजें आप यहाँ पर एक्स वाई लिख दो, ए बी लिख दो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, है ना, यहाँ चाहे ए बी लिख रखे हैं, यहाँ पी क्यू लिख दो तो भी एक ही चीज है, यहाँ ये हटा दो तो भी एक ही चीज है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, वो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आप लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है ठीक है। तो दोनों वैलिड जो है आपके डिक्लेरेशन है ठीक, ये डेफिनेशन है, यहाँ चाहे एक्स वाई लिखोगे चाहे ए बी लिखो, अलग ही वेरिएबल है, ये एक्स वाई वो एक्स वाई दोनों अलग अलग है ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसका कॉल करना किसी भी फंक्शन को ठीक है, किसी भी फंक्शन को कॉल करना ठीक है, कॉल बाय वैल्यू देखते हैं पहले। देखो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है ठीक है, फंक्शन को कॉल, अभी मैंने क्या किया था, कॉल ही किया था ना फंक्शन को, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू ठीक है, कि आप जो है कॉपी कर रहे हो वैल्यूज ठीक है, जो एक्स वाई थे, या जैसे अब मैं सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मेरा ठीक है, पूरी पूरी चीजें नहीं लिखेंगे ना, अब ऐसे मत देखना ऊपर वो नहीं लिखा नीचे वो नहीं लिखा, पूरी पूरी चीजें नहीं लिखूंगा मैं, जो मेरे काम की है जो एक्सप्लेन करना है केवल वही लिखूंगा ना, सारी चीजें बार बार नहीं लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा मेरा, ये मेरा मेन फंक्शन है ठीक है, इंटीजर मेन है ठीक है, और मैंने एक फंक्शन लिखा आपका अपडेट वाला ठीक है, कि मैंने लिया आपका इंटीजर एक्स लिया ठीक है, और एक्स की वैल्यू मैं सी इन से भी ले सकता हूँ, चलो मैंने यही ले ली, एक्स की वैल्यू 2 ले ली ठीक है, और मैंने एक फंक्शन को कॉल करिया अपडेट ठीक है, अपडेट को मैंने कॉल कर दिया और अपडेट में पास करवा दिया एक्स ठीक है, और अब मैं जो है आपकी
इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, सी आउट एक्स, ठीक है। और ये जो है मेरा मेन है, यहाँ पर रिटर्न जीरो लिखेंगे वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर ये मेरा फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिटर्न नहीं करता तो उस केस में हम उसकी रिटर्न टाइप जो है वॉइड लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखो, और x इक्वल टू अगर मैंने कर दिया 5, ये जो होता है कॉल बाय वैल्यू होता है, ठीक है। देखो मैंने लिया एक वेरिएबल x जिसकी वैल्यू दे दी 2, ठीक है। कैसे होगा? ऐसे होगा, ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। ये आपका मेन फंक्शन है जिसमें मैंने क्या लिया, आपका एक वेरिएबल लिया x जिसमें डाल दी वैल्यू 2। उसके बाद आपके मेन फंक्शन ने कॉल किया एक दूसरे फंक्शन को जो है आपका अपडेट। उसमें भी क्या है, आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है। और उसमें आप क्या पास करवा रहे हो, 2 वैल्यू पास करवा रहे हो, ये 2 पास करवा दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये दो एक्स अलग अलग चीजें हैं, ये मेन फंक्शन का एक्स है, वो अपडेट फंक्शन का एक्स है, ठीक। तो यहाँ एक्स की जगह अगर मैं वाई लिख दूंगा तो भी बात वही चलेगी, क्योंकि वैसे ही दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक्स इसलिए क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि हाँ वास्तव में ये एक नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने करा अपडेट एक्स, तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन कॉल करा तो अपडेट एक्स हुआ। अपडेट एक्स हुआ तो देखो यहाँ जो है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मैं कुछ रिटर्न करवा ही नहीं रहा इससे, ने मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू को बस चेंज कर दे। एक्स की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ये फंक्शन क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को 5 कर देगा, बस इतना ही करेगा, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा और वापस आपके फंक्शन का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता ना, मुझे उसकी रिटर्न वैल्यू से कुछ नहीं करवाना होता, मैं इसको बस उससे कहना होता है ये काम कर दो। जैसे कि मैंने कहा किसी को कि जैसे मैंने कहा किसी को कि एक तो मैंने कहा कि भाई ये पैसे दिए और बोला कि ये काम कर कर आना, ठीक है। वो गया काम करने और वापस आया, तो मैं उससे कुछ, या फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये जो है सामान मेरे को लाकर दे दो, ठीक है। तो मैंने किसी को बोला कि ये सामान मुझे लाकर दे दो, तो मैंने उसको बोला कुछ, है ना, तो वो सामान लेने गया, मतलब वो कुछ प्रोसेस कर कर आया, लेकिन वो वापस आकर मुझे कुछ दे भी रहा है, सामान दे रहा है, तो इसका मतलब उससे मैं रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। एक दूसरा ये होता है कि मैं उसको कह दूँ कि जाते जाते ये काम करते हुए जाना, तो मैं उससे रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहा, बस उसको मैंने कह दिया ये काम कर देना बस, ठीक है, रिटर्न में अब कुछ नहीं ले रहा। तो वही चीज़ है, जब रिटर्न में किसी भी फंक्शन से हम कुछ नहीं लेते, बस उसको कुछ प्रोसेस करने को बोल देते हैं, तो उसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो वॉइड डिक्लेयर करते हैं, वॉइड, ठीक है, VOID। ऐसे जो आपका होता है, पहले वॉइड यूज करते थे ना, वॉइड मेन करते थे, तो क्योंकि वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं चाहता था, अब इंटीजर कर दिया उसको। हाँ, ये अलग अलग फंक्शन के हैं, ये मेन फंक्शन है, ये आपका अपडेट फंक्शन है ना। हर फंक्शन का अपना एक स्कोप होता है। अब वही जो वो अब वो वाली क्लास आ गई जो हमने स्कोप डिस्कस करा था ना, अब वो आप वो लेक्चर अटेंड करना जिसमें हमने स्कोप करा था डिस्कस, ठीक है। वो लेक्चर करोगे उसमें सारा दिख रहा है, वैसे जिसने करा है उसको भी नहीं पता, तो कोई ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखो ये मेन फंक्शन है, इसमें एक एक्स वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 2 है ना। अब यहाँ मैंने अपडेट कॉल किया, अपडेट में मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू 5 कर दो, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू को 5 कर दो। अपडेट कॉल किया, यहाँ पर आ गए एक्स, इसमें क्या है, एक इंटीजर एक्स है, इसका मतलब इसमें भी एक वेरिएबल है एक्स। और जब मैंने कॉल किया अपडेट एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की 2 होगी, तो इस वाले एक्स में भी 2 आ जाएगी ना, इस वाले एक्स में भी वो वैल्यू 2 आ जाएगी। अब फिर क्या होगा, फिर मैंने करा एक्स इक्वल टू 5, और फिर कुछ नहीं करना, बस मेरे को रिटर्न, ये मैंने 5 कर दिया। अब मैं यहां प्रिंट करवा रहा हूं सी आउट एक्स, तो एक्स तो अभी भी 2 ही है, 2 ही प्रिंट होगा ना, 5 तो वो वाला चेंज हुआ है ना। तो इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, आपने वैल्यू से कॉल करा है, वैल्यू उसकी कॉपी कराई है, पास करे, तो ये अभी भी 2 है ना, तो इसका आउटपुट जाके आएगा, इसका आउटपुट अभी भी 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, उसमें क्या होगा, उसमें वैल्यू इसमें भी चेंज हो जाती है ना। अब अगर मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को चाहिए कि नहीं यहां पर 5 हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस करवाते हैं, ठीक है, ये रेफरेंस करवाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसकी मैंने प्रोटोटाइप नहीं लिखी यहां पर, है ना, क्योंकि इसकी प्रोटोटाइप तो लिखनी है, अपडेट मैंने कोई फंक्शन बनाया तो ऊपर डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना इसकी प्रोटोटाइप को, तो वो सारी चीजें बार बार क्या है, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, वो सारी आप ध्यान में रखना। जब डिस्कस कर ही लिया कि एक फंक्शन बनाया तो उसकी प्रोटोटाइप तो आएगी आएगी ऊपर, ठीक है। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, एम्परसेंड एक्स का यूज करूंगा, एम्परसेंड एक्स, ठीक है। और अगर अब एक्स इक्वल टू 5 करता हूं तो यहां पर जो है मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है।
अब 5 आ जाएगा, बस इतना सा चेंज करना है मेरे को एम परसेंट एक्स। यहाँ पर प्रोटोटाइप तो आएगी, आपको पता ही है ना, अभी मैंने लिखी नहीं है, बाकी आएगी वो तो, इंक्लूड मेन सारी चीज़ें आएगी ऊपर जो आती है। तो ये इस तरह से आपका होगा ना, एम परसेंट एक्स मैंने लिख दिया और अब एक्स इक्वल टू 5 करा, तो ये जो है बेसिकली अब दोनों एक्स सेम ही है ना। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि अब जो ये वाला एक्स नहीं है, ये वाला एक्स जो है, अब के ये दोनों जो है एक ही स्पेस है बेसिकली। या आप ये मान के चलो यहाँ पर जो है एक एक्स क्रिएट इस तरह से है और ये एक्स भी इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अब के स्पेस क्रिएट नहीं हुआ एक्स का, एक्स एक नाम बस क्रिएट हुआ और वो नाम जो है अभी इसी को ही रिफर कर रहा है वो भी, है ना। तो ऐसा होगा आपके, ठीक है। तो वैल्यू जो स्पेस है अभी भी वो इसी में ही है, बस यहाँ पर जो यहाँ से आप उसको रिफर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ अब आपने 5 करा तो अब जो है आपका 5 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब इसमें एक और आता है रिटर्न बाय रेफरेंस, क्या होता है, टाइम पूरा होने वाला है हमारा, ठीक है। वैसे भी चलो टाइम तो पूरा हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अब।